शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इनकी मौत आई है जेलर, जो तुम मजगर को जगाने चले आए। मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई का खून नहीं होने दूंगा। एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए। आप लोग अंदर बैठिए, हम जेलर साहब को खबर करके आते हैं। सर कैदी को लाओ। जेलर साहब, लेकिन फांसी को अभी आधा घंटा बाकी है। हमारा वक्त उस कैदी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ए चल, तेरा टाइम पूरा हो गया। क्या कर रहा है? चल, अरे कम से कम पूजा तो कर ले, देना मुझे। चलो जल्दी। हाँ करो जल्दी। कहाँ से मेरे गले में फंदा? मैं मौत से नहीं डरता। अरे इसी दिन का तो इंतजार था कि कब तेरे जुल्मों से मुझे मुक्ति मिलेगी। कुत्ते कमीने, मौत देने से पहले कम से कम भगवान से मेरी प्रार्थना तो पूरी कर लेने दिया होता। ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, आज ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जल्द ही ऊपर भेज रहा हूं। बैठिए। देख लीजिए लंकेश्वर साहब, पूरे है ना? अबे अधूरे, जेलर साहब के बैग में मारे डर के लोग 10-15 हजार रुपए ज्यादा ही रखते हैं। जो कम रखते हैं उनकी जिंदगी कम हो जाती है। सर, मैंने कुछ नहीं सुना। सर, आपने ये तस्वीर मंगवाई थी। अब ये कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है सर। कल रात को टीवी पर साहब को खुले शब्दों में धमकी दी है कि यह साहब को कुछ ही दिनों में नंगा कर देगा। सर पे चुनाव है सर, अब इसे जल्दी ही चुप कराना बहुत जरूरी है। सुनने में आया है कि इसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ने वाली है, फिर इसे शायद। सर, साहब के लिए कोई मैसेज है? उनसे कहना ये कल सत्य प्रकाश के अर्थी को कांधा देने के लिए थोड़ा वक्त निकाले। इसकी मौत आई है जेलर, जो तुम अजगर को जगाने चले आए। तुम्हारे कदमों की आहट किसी न किसी के मौत का पैगाम ला दिया है। आप लोग पीछे हटिए प्लीज प्लीज।
जो भी स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। यस सर। दोस्तों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेरा एक ही मकसद है। आप लोगों के कलम के जरिए मैं देशवासियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जिन लोगों को जनता ने चुनकर कुर्सी पर बिठाया, उनमें से कुछ लोग अपने फायदे के खातिर इस देश को किस तरह खोखला कर रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं। अरे, कुर्सी के लिए अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं तो उनके लिए देश क्या चीज है? अब तो आप अपनी पोस्ट पर नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे? अब मैं वो करूंगा जो पोस्ट पर रहकर नहीं कर सका। मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो देश से दुष्ट और पापियों का नाश कर देंगे। वो सबूत एक नए हिंदुस्तान को जन्म देंगे। वो सबूत हिंदुस्तान को नया जन्म नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश को मौत जरूर दे देंगे। वो चाहे फोन पर मुझे कितनी ही धमकियां दे, मेरा और मेरे परिवार का खून कर दे, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई का खून नहीं होने दूंगा। मैं अगर मर भी गया तो मैं चेतावनी देता हूं उन इंसानियत के दुश्मनों को कि मेरे खून का कोई भी कतरा बेकार नहीं जाएगा। एक एक कतरा हिंसा और भ्रष्टाचार के अंधेरे को मिटाकर अहिंसा और सलामती का उजाला बिखेर देगा। अरे कोई फ्लैश ऑन करो! करो एसीपी, कैदी सो रहे। अजगर कहां है? सेंट्रल जेल के कैद कानून से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। 6 बजे के बाद सारे कैदी सो जाते। मैंने पूछा अजगर कहां है? पारो सिंह साहब को सेल नंबर 22 में ले जाओ। अजगर बंद करो ये लाइट, साले चैन से सोने भी नहीं देते। एसीपी साहब, गुड नाइट। व्हाट गुड नाइट? व्हाट गुड नाइट? सत्य प्रकाश का खून करते हुए सबने देखा इसे। मेरे हाथ से बचकर भागा ये, जेल तक पीछा किया है मैंने, मेरे सामने जेल के अंदर घुसा, यहां आकर सोने का नाटक कर रहा है। बाहर निकालो से, बाहर निकालो। आपके पास सबूत क्या है? माधव सिंह, जरा देखो तो ये क्या है। ए हराम सादे, निकाल, बाहर निकाल। माधव सिंह, रात काफी हो चुकी है, गुड नाइट। और हां, ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा कि कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है बाहर गया, किसी का खून किया और फिर फांसी पर लटकने के लिए वापस जेल में आ गया। मत कहिएगा, लोग हंसेंगे आप पे।
रहोगे तुम, पछताओगे एक दिन लंकेश्वर। इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी ये पाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और गारे की दीवारें चीज क्या है? मर्दी का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जांबाज भी इस देश में मौजूद है, याद रखना लंकेश्वर। अर्जुन का है तू? छुड़ाओ, बताओ। अरे छुड़ाओ उसको, बताओ आराम से। अर्जुन देखो किसके लिए काम करता है तू? छुड़ाओ, खींचो उसको, खींचो ना। ए कान, छोड़ दो कान। पागल हो गया क्या अर्जुन? ए ले जाओ इसको, बिठाओ गाड़ी में। मुबारक हो, हर बार की तरह इस बार भी तस्वीर अखबार में आप ही की छपेगी। नहीं खान मियां, ये काम तो हम सब ने मिलकर किया। अरे छोड़ यार, ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ, साला शुरुआत मैं करता हूँ और आखिर में बाजी तुम मार ले जाते हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, तू एक बात जान ले, तूने पेड़ से सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, एक पत्ता, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, तू जैसे चूहे से नहीं कतर सकते। मेरे सर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, पता लगेगा ना पतलून उतर जाएगी तेरी। पतलून उतार दूंगा, अच्छा खासा जीप में बैठकर जा रहा था, अब एम्बुलेंस में लेट कर जाएगा। इंस्पेक्टर अर्जुन, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी बहादुरी और कामयाबी पे मैं बहुत खुश हूँ। कमाल का प्लान बनाते हो, कमाल की हिम्मत रखते हो तुम। थैंक यू सर, आई लाइक इट। थैंक यू। मगर अचानक ये तुम्हें क्या हो जाता है? जिस मुजरिम को तुम्हें जेल भेजना चाहिए था उसे तुमने हॉस्पिटल में भेज दिया। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को शोभा नहीं देता अर्जुन। तो क्या ये हमें शोभा देता कि एक मामूली मुजरिम आपको भले बाजार में गाली दे? क्या उसने मुझे गाली दी? हाँ सर, उसने आपको चूहा कहा सर। क्या? यस सर। हाँ खान। यस सर, ही सेड रैट, रैट। सर उसने यहाँ तक कहा कि अगर आप उसके मालिक का नाम सुनेंगे तो आपकी पतलून उतर जाएगी। क्या? हाँ सर खान। हाँ सर, उतर जाएगी, पुलिस वालों के लिए कहा था, उसमें हम सब आ जाते हैं। यस सर। तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है अर्जुन। नहीं सर, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। उन हरामजादों को अस्पताल नहीं शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए था। वो लोग सारे देश में ड्रग्स फैला रहे सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी ओहदे के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। वो आदमी ठीक कह रहा था सर, तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा सर, उनकी जड़ों को काटना है, जड़ों को। मैं उनकी तय तक पहुंचना चाहता हूं। सर देखिए ना, ये बहुत परेशान कर रहा है, ना दवाई ले रहा है ना इंजेक्शन। सर ये आप क्या कर रहे हैं?
सिस्टर, ऐसे मरीज के लिए ऐसा ही डॉक्टर काम आ सकता है। आप मेरी बात सुनिए जरा। सिस्टर, मेरा एक दोस्त है अब्दुल, वो एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा है और सीरियल का टाइटल भी बहुत अच्छा है, सिस्टर सिस्टर बचाओ। क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही एक पेशेंट के दर्द और सिस्टर की खिदमत पर आधारित है वो सीरियल। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर गायकवाड़ उसके परिवार का खून में नहीं किया है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। और जिस ड्रग्स की सप्लाई तुम करते हो उसके मालिक का नाम क्या है? ड्रग्स की सप्लाई मैंने की है लेकिन मैं मालिक का नाम नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ आइंदा ये काम नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ दोबारा ये काम तुम कभी नहीं करोगे। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम उसके लायक नहीं रहोगे। यार अर्जुन, तुम्हारी वर्दी पर फीते काम और बदनामी के धब्बे ज्यादा हैं। अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो फिर एक और धब्बे के लिए तैयार हो जाओ। वो गवाही नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा? ए, ए, सिस्टर, सिस्टर! सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ। और खान, क्या बात है, नर्स को स्टोरी पसंद आई? छोड़ यार नर्स को, अगर एक मिनट लेट हो जाता तो आदमी टाइम हो जाता। किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो तुम इन गुंडों को मामूली मत समझो, बहुत ऊपर तक पहुंच है उनकी। जरा धीरे मेरे दोस्त, क्या पता कौन कहां तेरे खिलाफ कोई जाल बुन रहा हो। अरे छोड़ यार, चल बैठ। नमस्ते पिताजी। अर्जुन तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, आज ही इस्तीफा दे दो। क्यों? बस बहुत हो गया। क्या बुराई इस पेशे में? बुराई पेशे में नहीं, तुम्हारे काम करने के तरीके में है, तुम्हारी सोच में है। पिताजी फिर वही, पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की? अरे कई आदमियों को जान से मार दिया, एक को अस्पताल पहुंचा दिया, उसमें भी चैन नहीं आया तो अस्पताल जाकर के उस आदमी की नाक से ऑक्सीजन की नली निकाल दी। पिताजी? अरे तुम पुलिस अफसर हो, कोई कसाई नहीं हो। कितनी बार समझाया तुमको कि इस वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ, फैसला करना तुम्हारा काम नहीं अदालत का है। अरे वो लोग तो खून खराब कर ही रहे हैं, अगर तुम भी खून खराबे में उतर आए तो तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क रह गया? फर्क होना भी नहीं चाहिए पिताजी। क्या मतलब? लोहा लोहे को काटता है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे? तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं इंसान की जिंदगी? वो इंसान नहीं थे पिताजी, वो इंसान नहीं थे। पिताजी जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो पहले रेप केस में पकड़ा गया था, सबूत न होने के कारण आपकी अदालत ने उसे छोड़ दिया। बाहर निकलकर उसने उस पुलिस वालों को परिवार समेत खत्म कर दिया जिसने उसे रेप केस में पकड़ा था। इस बार आपकी अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ दिया, अब वो बाहर निकलकर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। पिताजी जहर तो सिर्फ उसके खाने वाले को मारता है लेकिन ड्रग्स खाने वाले के साथ साथ उसके परिवार को भी जीते जी मारती है। और उसका सबूत है मेरी बहन और आपकी बेटी जिसे बहला फुसला कर ड्रग्स का आदी बनाया गया था। पिताजी वो हराम सादे किसी को नहीं बख्शते। डॉक्टर, डॉक्टर बनाना चाहते थे आप इसे? और ये मरीज बनकर रह गए। एक वक्त था जब इसके ना रहते हुए भी इसकी हंसी गूंजती थी और आज इसके घर में रहते हुए भी खामोशी है। खामोशी बेटे, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बेटे डरता हूं कि तुम्हारा ये आवेश, तुम्हारा क्रोध कहीं तुम्हें ऐसे रास्ते पे न मोड़ दे जहां तुम्हें पछताना पड़े। बेटे
था बेटे। सर आपकी बहू पुलिस स्टेशन में है। बहू? हाँ सर, अर्जुन साहब की बीवी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अर्जुन से कह दूंगा। सर मेरी बीवी की कोई खबर नहीं है सर। मिल जाएगी तुम्हारी बीवी, होलिया बता रहे थे ना तुम। हाँ सर, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है सर। हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए। देखो तुम सब काम छोड़ो और फौरन मांडवा पुलिस स्टेशन पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? बेटे वहां बहू पुलिस की हिरासत में है। बहू? बहू नहीं सर, बीवी। बीवी? बीवी? अरे बेटे तुम्हारी बीवी मेरी बहू हुई ना, जाकर अपनी बीवी को ले आओ। घर की इज्जत ज्यादा देर पुलिस स्टेशन में रहे, ये बात अच्छी नहीं। ठीक है पिताजी, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, कयामत है सर, कयामत। बहुत खूबसूरत है, खो गई है। हाँ तुम्हारी बीवी खो गई और पता नहीं मुझे कहाँ से बीवी मिल गई है। खाओ भाभी, बहुत टेस्टी है। माइंड बॉगलिंग। काजल कौन है बे? ये क्या चल रहा है? फ्रूट खा रही हूँ। कंचाम सर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर मैडम को पानी पिला रहा था। शट अप, कंप्लेन क्या है? कुछ नहीं सर, ये आराम से फुटपाथ पे गाड़ी चला रही थी, मैं गाड़ी के सामने आके टकरा गया और सीधा आके यहाँ गिरा। यहाँ आके पता चला ये तो आपकी। ये मेरी कुछ नहीं लगती, केस रजिस्टर करो और इसे अंदर कर दो। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा कहीं होता है क्या? क्या नहीं होता? आप हमारे भाई समान है, आपकी पत्नी हमारी भाभी समान है, और भाभी माँ समान होती है, और माँ भगवान का रूप होती है। ओ शट अप। ओहो, पत्नी का गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकालते हो? कितना अच्छा है ये, और वैसे भी कितनी खातिर की है इसने मेरी, मालूम है? तुम हो। अर्जुन, चलो। अर्जुन चलो। काजल ये क्या नाटक है, हमेशा बच्चों की तरह करती रहती हो। तो और क्या करती, 7 दिन हो गए तुम नहीं मिले हो, जब फोन करो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, काम काम काम, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। सुनो ना, मेरे पास सिनेमा की 2 टिकटें हैं, चलो ना। कल जाएंगे? आज? कल? आज? कल? आज? कल? आज? आज ही चले जाइए सर, बहुत मजा आएगा। क्यों, कल मजा नहीं आएगा? कल नहीं, आज। कल? आज। कल? चल। कल? चल। कल? चल। चल। आइए आइए बैठिए। आप लोगों की शिकायत पर मैंने लंकेश्वर के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक लंकेश्वर अपनी जेल में कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। ये रही वो रिपोर्ट, पढ़ लीजिए इसे। सर मैं जानता हूं, इसमें वही लिखा है जो इंक्वायरी कमीशन ने सुना होगा, लेकिन जो मैंने देखा है दरअसल वही सच है सर। सर मेरी बात का यकीन मानिए, लंकेश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है। अजगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है, और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है सर। सर एसीपी अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। ये रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर, लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। सर पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे भी हो सके आप इस केस को सुलझाइए, जो करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा। सर सर क्यों ना हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहां बुलाएं, जाहिर है यहां उसे कोई नहीं पहचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं, वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा। सर मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मिस्टर अग्निहोत्री की बातों से यह पता चलता है कि लंकेश्वर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। सर
दरअसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादुर ऑफिसर चाहिए जो सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर निकलता हो। मैं ऐसे ही एक अफसर को जानता हूं। काम कितना ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। डलहौजी का रहने वाला है, नाम है अर्जुन सिंह। इस काम के लिए आपने सही आदमी चुना है सर। आप जानते हैं उसे? यस सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी। उसकी लगन और बहादुरी से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। मेरा फेवरेट स्टूडेंट था सर। इस काम के लिए अर्जुन सिंह बिल्कुल परफेक्ट है सर। फिर देर किस बात की, जितनी जल्दी हो सके बुलाइए उसे। चलिए 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 हटिए, ये क्या तमाशा है? तमाशा से ज्यादा आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। चलिए हटिए। कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की आप पे जान दे रही है और आपको परवाह ही नहीं है। अरे अगर इनको परवाह होती ना तो मेरे गले में रस्सी नहीं होती, वरमाला होती वरमाला। चलो मूव इट, कम ऑन। रुक जाओ। अरे समझाओ इसको, जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है। तुम इनको क्या बोल रही हो? जो कुछ भी बोलना है नीचे आके मुझसे बोलो। मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम दुनिया के सामने इकरार कर लो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमारी सगाई की तारीख, शादी की तारीख, हमारी हनीमून की जगह, ये सब बताना होगा आज और अभी। देखो काजल, सीधी तरह नीचे आ जाओ। मेरी शर्तें मान लो तो मेरी चाहती हूँ, वरना मैं ऊपर जा रही हूँ। आप लोग अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए, चलिए 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 चलिए। अरे रुक जा भाइयों, अर्जुन मैं 3 तक गिनूंगी। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। जाओ डॉक्टर साहब, उसका ब्लड ग्रुप तो पूछ लो। अभी मेरी मन भाई सवा दो तो चलते ही जा रहा है। अरे मर गई। ऐसे आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी। अरे छोड़ो यार, ये सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो क्या? सभी को तो एक दिन मरना है। यानी के अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता? लोगों ने सच ही कहा है। क्या सच कहा है? छोड़ो जाने दो, तुम्हें दुख होगा। किस बात का? यही के लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं ना वो, जाने दो छोड़ो। क्या हुआ पहलवानों को? वो पहलवान होते हैं ना वो प्यार में थोड़ा यही के जो पहलवान लोग होते हैं ना वो प्यार में थोड़ा कम होते हैं। दादी, तो ये पढ़ाई हो रही है आपकी हुँ? और तुम अर्जुन, ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? सर वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ दे, इसलिए सर। हाँ मैंने कब कहा था, तुम ही तो आए थे मुझे कॉलेज से ले जाने के लिए। शट अप। अरे नाम, इसे हॉस्टल ले जाओ। ये सर मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, कम विथ मी।
डैडी बहुत गुस्से में थे ना अंकल? बहुत गुस्से में थे, बहुत। अब क्या होगा? क्या होगा? मारा जाएगा अर्जुन। अरे कुसूर भी तो वैसा है, अपने सीनियर की बेटी को लेकर घूम नहीं जाता है ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर। नॉनसेंस। लेकिन कुसूर सिर्फ उसका ही थोड़ी ना था, कुसूर मेरा भी तो था। मैं डैडी को समझाऊंगी। शायद तुम्हारी बात तुम्हारे डैडी मान जाएंगे, लेकिन डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन? इंस्पेक्टर से हवालदार बनेगा और फिर हम जैसे सीनियर्स को सलाम करेगा। हवालदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर। फिर क्या, इस गम में शराब पीना शुरू कर देगा, पड़ा रहेगा कहीं भी शराब पीकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं डैडी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। अरे अब तो हो चुका होगा, गया बेचारा अर्जुन, गया गया। सर मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना है। मिशन की कामयाबी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। मैं जानता हूं, तुम चलने की तैयारी करो। यस सर। मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं सर? लेकिन क्यों सर? नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठकर आएगी या पुलिस जीप में। मुझे खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल ऑफिसर को चुना है, और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इंसान को चुना है। मैं तुम्हारे डैडी से शादी की बात पक्की करना चाहता हूँ। डैडी से शादी सर? काजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ।